हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल सो लेट स्टार्ट आवर टू डे सेशन दैट इज ऑन एक्सक्रिटोरी सिस्टम एक्सक्रिटोरी सिस्टम इज अ इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ योर बॉडी और ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इफ एक्सक्रिटोरी सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन आवर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी स्टॉप्ड सो ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी हमारे बॉडी में एलिमिनेशन करना पड़ता ना दैट मींस वेस्ट मटेरियल्स हम पूरा ले नहीं सकते तो हमारे बॉडी से उसको आउट करना पड़ेगा तो वो आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है और चीप ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन करवाता है एंड एलिमिनेट करता है कि कितने अमाउंट का एलिमिनेट होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए कौन से फॉर्म में होना चाहिए इसलिए सो एज यू सी इन द पिक्चर कि आपका लोकेशन क्या है नॉर्मली किडनी इज प्रजेंट बिलो द लंग्स ओके नियर द डायफ्रैगम पोर्शन सो so, यहाँ पे दो पोर्शन है लेफ्ट एंड राइट सो दैट वन पेयर ऑफ किडनी बोल सकते हैं एंड इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है दैट इज मेल में अलग होगा या फीमेल में अलग होगा सेम टाइप के किडनीज रहते हैं एंड किडनीज का जो मेन कलर uh, है ड्यू टू uh, हम जो बोलते हैं ब्राउनिश कलर और रेडिश ब्राउन कलर ऐसा बोलते हैं तो ये कलर आता है ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड ये जो वेस्ट मटेरियल है किसके साथ फ्लो होता है ब्लड सो ब्लड की वजह से इसका कलर ऐसा आएगा सो so, इसमें क्या होता है ना जस्ट लाइक like हम सीख कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक पिक्चर है जो पूरे किडनी के स्ट्रक्चर को डिपेक्ट कर रहा है तो ये सारे स्ट्रक्चर है क्या इतने डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है क्या तो ये हमारा ना मेन किडनी uh, किडनी जो है बीन सेफ्ट स्ट्रक्चर का होता है बीन बीनसेप्ट ओके okay, नियरली आप ऐसे बोल सकते हो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर है बीन बीनसेप्ट स्ट्रक्चर अभी जो बीन बीनसेप्ट स्ट्रक्चर है बीन बीनसेप्ट स्ट्रक्चर में एक्चुअल में क्या होता है किस लिए हम लोग बीन सेफ स्ट्रक्चर मेंशन करते हैं बिकॉज बीन सेफ स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पे जो मेजर कैलिक्स है माइनर कैलिक्स है एंड जो पिरामिड्स लाइक पोशंस हैं अभी पिरामिड्स क्या हैं देखिए मैंने डायग्राम में आपको बताया भी है ऑलरेडी एज वी मैंशनड हेयर ये जो पोर्शन है ना ये सारे जो पोर्शन है ये जो कोनिकल लाइक पोर्शन है ये कोनिकल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पिरामिड्स सो नॉर्मली कितने हैं काउंट कर सकते हैं हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये नंबर्स वेरी करते हैं ये <coughs> नाइन्थ टू इलेवेंथ ट्वेल्व तक ऐसे हो सकते हैं उससे भी एवॉव हो सकते हैं एज पर द मतलब हम लोग एज एज पर द एज इफ वी आर एदर देन हमारे में ज़्यादा होंगे इफ़ वी आर नॉर्मल ए स्मॉल बेबी और नॉर्मल ए चाइल्ड और टोटल देन उसमें कम हो गया तो अभी क्या हो गया ना इसमें अगर छोटा सा भी पोर्शन मैं कट करती हूँ इसको हम क्या बोलेंगे ईच एंड एवरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी विद इन द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड द विसरल ऑर्गन बिकॉज ऑल द organs, <laughs> organs they have important functions and features for the body because they control our total physiological processes. and these are, again, uh, network-like bodies. network-like bodies, and these network-like bodies are called arteries and veins, mixing together to form the glomerulus. if glomerulus is round-like structure, have you seen this round-like structure? yes, we see it.

ट्यूब्यूल्स होंगे एंड दीज ट्यूब्यूल्स कनेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अगर हम लोग डायग्राम को और भी छोटा कर दे तो कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा कुछ ऐसे कलर का आपको मतलब टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा ये देखिए मैंने इस पीस को कट करके इतना दिखाया सो so, इसके अंदर सपोज थिंक कर लीजिए कितने हो सकते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में अगेन मैं और एक चीज़ बता दूँ ये जो बाउम्स कैप्सूल है कि कहीं पोशन से सो स्टार्ट हुआ होगा ना तो ये जो है ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो यहाँ से आपको पोर्शन स्टार्ट होता है एंड उसके जो आ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे करके इधर जॉइन करता है ठीक है तो ऐसे पोशन को हमने क्या कर दिया दैट लाइक like, आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर नेट्रॉन्स हैं यूरिनिफेरस टीविल्स है एंड बाउमस कैप्सूल है देन ग्लोमेरुलस है इनसाइड में अगेन और भी पोर्शन है जस्ट लाइक लूप ऑफ एनल एसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग इज़ कनेक्टेड विद द दैट पोर्शन मीज एंड बाय चांस इफ़ दिस कलेक्टिंग डक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट हेयर दैन एक्सक्रेटोरी मटेरियल्स शुड नॉट बी रिलीज सो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स ईच अदर के साथ कनेक्टेड होंगे दैट मीन्स Each collecting ducts again connect with each other to connect with the ureter. If collecting ducts are not connected this like then एलिमिनेशन नहीं हो सकता कोई भी एलिमिनेशन अभी मैं बोलती हूँ कि एक्सक्रीशन होता क्या है व्हाट इज़ एक्सक्रीशन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन आप जानते हो पूरे बॉडी में जो भी मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं बिकॉज पूरे बॉडी में सेल्स हैं टिश्यूज हैं टिश्यूज मीन्स क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टूगेदर हैविंग सेम फंक्शंस एंड सेम स्ट्रक्चर दिज आर कॉल्ड द टिश्यूज मीन्स एम्ब्राइनिक ऑरिजन उनका सेम होता है तो इस अकॉर्डिंग इसके जो पोर्शंस होंगे दैट मीन्स दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड इम्पॉर्टेंट है वेरी मच इंपॉर्टेंट ईफ ई सेल रिस्पायर करता है एंड ई सेल ग्रोथ करता है अपना सेल डिवाइड करता है तो एलिमिनेशन के लिए भी वेस्ट मैटेरियल तो भी निकलेगा ना हो उसके बॉडी से मतलब ई सेल बॉडी से अभी एक एक सेल बॉडी से सारा वेस्ट मैटेरियल रिलीज हो रहा है सो so, दीज वेस्ट मेटेरियल शुड भी क्या क्या हो सकता है शुड बी एलिमिनेटेड आउट इन द करेक्ट वे थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ऐसे आते हैं इसमें जो ग्लोमलस ट्यूबल्स हैं उसके थ्रू एंटर करेंगे ऐसे बामंस कैप्सूल जैसे रहेंगे जस्ट लाइक like ऐसे बॉडीज आपको कप सब दिखेगा ठीक है ऐसे एंटर करेंगे आफ्टर दैट ये एंटर करेंगे इस पोर्शन में इस पोर्शन के बाद यहाँ से आएगा यहाँ से आने के बाद आपका एसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप लूप ऑफ एनल इस पोर्शन में दैन यहाँ पे कलेक्टिंग डक में वो मिक्स हो जाएगा ऐसे तो ये नेक्स्टली इस पोर्शन में आके डिपोजिट हुआ वहाँ से ये जो मेजर कैलिक्स है माइनर कैलिक्स को आएगा माइनर कैलिक्स टू मेजर कैलिक्स मेजर कैलिक्स टू यूरेटर एंड यूरेटर से नेक्स्टली जो यूरिनरी ब्लडर है उसमें स्टोर्ड होगा अब तो दैट यूरिन फॉर्मेशन जहाँ पे होता है मतलब ये सारे यूरिन फार्मेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और पी ये रिलीज आउट हो जाएगा सो so, ये ह्यूमन के केसेस में है एक्सक्रेटोरी नेचुरल यूरिन मतलब आपके बॉडीज से रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज हो रहे हैं अभी ना भेरियस टाइप्स के हैं अभी वेरियस टाइप्स के हैं Like मैं अगर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन बोलूँ कि कितने वेराइटीज में ये सारे हो सकते हैं सो so आप जानते हो यहाँ पे जो एक्सप्रेटोरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या होता है नॉर्मली दैट इज आपके इंपॉर्टेंट बॉडीली फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है रेस्पिरेशन विदाउट रेस्पिरेशन वी कैनॉट ली तो सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है रेस्पिरेशन से निकलता है सीओ ट्यू सीओ टू मीन्स डी ब्लड ठीक है सी हम रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे सो सी ओ है आपके यूरिन में वाटर तो जरूर रहेगा तो वाटर है एमोनिया है एंड कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी होंगे जस्ट लाइक एमिनो एसिड्स होगा uh, अगर यूरिया है बिकॉज यूरिन हमने मैंशन किया तो इसमें यूरिया भी होगा यूरिक एसिड एंड बहुत सारे ऑक्साइड्स होंगे जस्ट लाइक ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड्स और क्या है गुआनाइन एंड सठन न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट्स न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्ट्स मीन्स आपके बॉडी में जस्ट लाइक न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन भी होता है बिकॉज डी एन ए डी नेचर्ड भी होता है तो डी एन ए डी नेचर्ड होते हैं तो उसके कुछ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि टूट गए हैं ब्रेकडाउन हो गए हैं तो वो सारे रिलीज हो जाएंगे तो ऑब्वियस ये सारे बॉडी से रिलीज हो जाएंगे सो so, ये सारी इतनी सारी चीज़ें है जो बॉडी से रिलीज होता है उसके बाद और क्या स्टोरी जैसा याद रखोगे ना तो बहुत कुछ याद रहेगा मैंने ब्रीफ ये स्टार्ट करी हूँ आप लोग स्टोरी जैसा याद रखो आप लोगों को रिमेंबर करने में इजी होगा तो उसको छोड़ के क्रियाटिन है और आ, ये क्या होगा क्रियाटिन क्रियाटिन देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलान्टोइक एसिड जानते हो आप एलान्टोइक एसिड कहाँ से आता है बेबी जब यूरेटर के अंदर सॉरी <coughs> यूरेटर बोली यूरिनरी ब्लडर के अंदर रहेगी उसके चारों तरफ एक एलान्टोइस होता है कवर करके तो वो कनेक्टेड होता है हमारे पूरे बॉडी के साथ जस्ट लाइक like, हमारा uh, यूरिनरी ब्लडर दैट इज आपका जो कौन सा पोर्शन है Uh, आपका जो पोर्शन है यूरिनरी ब्लडर और यूरिनरी ब्लडर uh, के साथ जो वर्ल है फिक वर्ल्ड रहता है उसके साथ कनेक्टेड होता है दैट मीन्स यूरेटर भी हमारा उसके साथ कनेक्ट होगा तो ये हेल्प करेगा जो एलान्टॉयस में भी बेबी जब स्टोर रहता है नाइन मंथ्स के लिए टू सेवन टू एटी डेज के लिए तब जितने भी वेस्ट मेटेरियल्स आते हैं उसको रिलीज कुछ अमाउंट में ये भी रिलीज होता है और क्या हो सकता है हिप्यूरिक एसिड एंड ऑनली फ्यूरिक एसिड हिथ्यूरिक एसिड एंड ऑनिथ्यूरिक एसिड ये सारे ना बेंजोइक एसिड के कॉम्बिनेशन में फॉर्म होते हैं बेंजोइक एसिड ग्लाइसिन एमिनो एसिड ये सारे से होते हैं ये सारे क्या करते हैं जस्ट लाइक हमारे बॉडी में नहीं है ये बर्ड्स के केसेस में होते हैं जो ये सारे रिलीज होता है अच्छा अभी ना आपका जो एक्सक्रेटोरी सिस्टम है उसको ना ऑनिथिन साइकिल भी बोलता है बिकॉज वो भी हम लोग पढ़ेंगे ऑनिथिन साइकिल क्या है वॉट इज ऑनिथिन साइकिल कैसे होता है सीथ्रुल रहता है बहुत सारी चीज़ें रहती है अभी बेसिक जानूँ बिकॉज ए प्लस टू प्लस थ्री एम एस सी इवन इफ एंट्रांसिस के लिए सीपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस इसके साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जानना चाहिए है हमें इतना डिटेल क्योंकि हम कभी भी इसको इतना याद नहीं रखते सो so, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से माइंड मैप्स लाया है सो मेरे वर्ड्स भी बहुत ही सिंपल रहते हैं आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो सो so, uh, हम लोग ट्राई करेंगे वन बाय वन सारे एंट्रांसिस का भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें अभी बेसिक पहले फंडामेंटल क्लियर कर लो बिकॉज विदाउट फंडामेंटल हम लोग कुछ क्रैक नहीं कर सकते ठीक है बिकॉज हम लर्न कर रहे हैं एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं एक साथ सो so, आगे बढ़ेंगे भी एक साथ ठीक है सो नेक्स्ट चलते हैं मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन अगर जानो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं ठीक है तो वेराइटीज ऑफ मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन भी होना चाहिए सो so, मैं सिर्फ नाम बोलूंगी वहां से आपको समझना है अच्छा एमिनोटेलिज्म ये एनिमल्स क्या रिलीज करेंगे बोलो अपने वेस्ट मैटेरियल्स में ये रिमूव करेंगे किसको नाइट्रोजन को दैट मीन्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड में जो एमिनो ग्रुप रहता है ना उसको ये रिलीज करेंगे तो इन टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे एमिनोटेलिक एनिमल्स सो जस्ट लाइक सम मॉलुस्क स्पीसी ये सारे करते हैं देन आता है एमोनोटेलिजिम एमोनोटेलिज्मीस एमोनिया एमिनो बोली थी एमिनो ग्रोप एमोनो बोली एमोनिया सो एमोनिया रिलीज करेंगे इनको बोलते हैं एमोनोटेलिक एग्जाम्पल्स में अगर देखना है कि कौन सारे एग्जाम्पल्स है सारे एक्वाटिक एनिमल्स होंगे एंड उसके बाद आते हैं यूरियोटेलिज्म अभी देखो तुम ना सोचोगे ये सारे क्या सीक्रेट करते हैं यूरिक एसिड बट टू टाइप्स का है टू टाइप्स का है दैट इज एक होता है जो यूरिक एसिड सिक्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड अपना मैट्राइस करेगा और होता है एक होता है टेलिक दैट यूरियोलिकीस ये लोग यूरिया फॉर्म में सीक्रेट करेंगे अपना एक्सक्रिटोरी प्रोडक्ट को सो दैट इज यूरियो टेलीज कौन लोग हैं जस्ट लाइक like, कंगारू हो गया कैमिल हो गया सम एलिगेटर्स हो गए दैट मीनस रेप्टाइल्स जैसे ये सारे यूरिकोटेलिक कौन हो गए जो कि आपके रह गए यूरिकोटेलिक नॉर्मली हम बर्ड्स में ही इसको देखने को मिलता है कुछ एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं ऐसे सिक्रेशन करते हैं जस्ट लाइक सेमी सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड होता है थोड़ा सा ऐसे पोर्शन भी आएंगे ठीक है ये सारे टॉक्सिक होते हैं बॉडी uh, के अंदर जो टॉक्सिक सबस्टांसेस uh, रहता है उसको वो वाटर के साथ मिक्स करके एसिड बना के मीन्स यूरिक एसिड फॉर्म में रिलीज करता है जस्ट लाइक एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड कुछ एनिमल्स है लास्ट आते हैं गुआनोटेलिज्म गुआनोटेलिज्म मीन्स ये क्या सिक्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुआनो ठीक है गुआनो फॉर्म में जस्ट लाइक व्हाइट मटेरियल फाउंड इन द बर्ड्स ड्रॉपिंग बर्ड जो सिक्रेट करता है ना उसमें देखिए व्हाइट फ्इट लगा रहता है उसके एक्सक्रेटोरी प्रोडक्ट में व्हाइट फाइट रहता है ये जो व्हाइट कलर है ये ग्वानोस है ठीक है ये सारे क्रिस्टल्स ऑफ uh, क्या है क्रिस्टल्स है वन काइंड ऑफ ड्राई टाइप के है ड्राई टाइप के थिंक है यूरिक एसिड का ये सारे uh, कहाँ पे और मिल जाएंगे यूरेट्स में मिल जाएंगे एंड लिटिल बर्ड इसके साथ ना वाटर लिखते हैं वाटर लिख लेते हैं मीन्स उसके साथ मिक्स करना है कि तब जाके हमारा क्या मिलेगा यूरिकोटेलिज्म मिलेगा दैट मीन्स जो बर्ड्स या फिर सम एम्फीबियंस है ये सारे जो लैंड्स में रहते हैं ये क्या करते हैं कि इनका जो बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है इसको तो वो निकाल रहे हैं उसके साथ छोटे छोटे अमाउंट्स में कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स भी आता है ये ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं ग्वानोस ये ग्वानोस के साथ यूरिट्स सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड और कुछ कुछ अमाउंट में जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता वो भी रिलीज हो जाता तो ये इतने टाइप का है तो हमने कितने टाइप का पढ़ा एमिनो एमोनो यूरियो यूरिको एंड ग्वान तो इतने टाइप का पढ़ लिया अभी देखो कि डायग्राम वाइज अगर चलते हैं देखोगे डायग्राम देखते हैं देख डायग्राम ये डायग्राम में आपको और भी अच्छे से समझ आना चाहिए कि क्या है नहीं है ठीक है अभी देखो पूरे स्ट्रक्चर में आपको मैंने जो जो बोल दिया था उसी को मैंने ड्रॉ किया है ठीक है ये पूरा आपका क्या सेप में दिख रहा है बीन सेप्ट का है नियर अबाउट वन पेयर ऑफ किडनी सब में रहता है मेल फीमेल में भी एंड इसके बाद ऊपर एक अटैचमेंट के लिए इसके ऊपर पता है जैसे क्राउन जैसा यहाँ पे इस पोर्शन पे इस पोर्शन में अटैच रहता है क्राउन जैसा ट्रैंगुलर थोड़ा पोर्शन रहेगा कोनिकल सेप्ट वो होगा एड्रनल ग्लैंड एड्रोनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट रहता है अभी है कि इसका जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट पोर्शन है वो क्या है बीन बीनसेप्ट का है अभी बीन बीनसेप्ट का जो पोर्शन आएगा अपर सारे ऑर्गन्स को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो दैट इज अपर पार्ट इज नोन एज क्या बोलोगे कॉटेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला 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 में हमारा कौन सा पोर्स आएंगे जो मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स यूरेटर ये सारे पोर्शन आ जाएंगे अपर पार्ट में क्या आ जाएगा कॉटेक्स पोर्शन देखो यहाँ पे कॉटेक्स का लाइनिंग मैंने बनाया जो है जो रेड लाइनिंग है दैट मीनस ऐसा कॉटेक्स बनाया है so, सो ये जो कॉनिकल है नियर अबाउट देख लेना थोड़े थोड़े से थोड़े थोड़े से ये सारे क्या है आपके सारे ये सब आ, आप पिरामिड्स बोल सकते हो पिरामिड्स है ठीक है अगर पिरामिड्स बोलना है तो बोल लो अदरवाइज आप इसको कोनिकल पोर्शंस भी मान सकते हो इसके बाद इसका जो और भी पोर्शंस है जस्ट लाइक इसके इनर में जो जो पोर्शंस हैं छोटे छोटे से कनेक्शंस क्रिएट होंगे इसके साथ दीज आर कॉल्ड माइनर कैलिस एंड इसका मैंने बोला था वेरिएशंस हैं दैट मीन्स सेवन टू थर्टीन तक भी नंबर्स में हो सकता है ये एडल्ट के केस में केस में अलग है एंड हमारे केस में अलग है मतलब अगर छोटे बच्चे हैं आप लोग जैसे टीन हो तो आप लोग नियर टू वे एडल्ट हो तो आपके बॉडी में ऐसे होंगे इतने नंबर्स में होंगे या फिर और भी अगर टोटलर्स हैं या छोटे बच्चे उनका कम होगा दैन क्या है और देखो एक है रेनल आर्टरी एक है रेनल वैन ठीक है यहाँ पे मेडुला पोर्शन हमने शो किया है ये पोर्शन है मेजर कैलिक्स नॉर्मली मेजर कैलिक्स कितने नंबर्स पे हो सकते हैं हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू टू थ्री टू टू थ्री बिकॉज हमने तो यहाँ पे वन ही मेंशन किया हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है टू टू थ्री उससे ज्यादा नहीं ये एक जो कॉनिकल पोर्शन में एंड होता है ये है रेनल पेल्विस उसके बाद आता है रेनल पापिला ये यूरेटर ये रेनल कॉलम ये रेनल कॉलम ऑफ बटिनी क्या बोलते हैं रेनल कॉलम ऑफ बटिनी जो कि कंटिन्यू होगा एंड यूरिनट के साथ कनेक्ट होगा हो गया ये स्ट्रक्चर याद रहा अभी देखो इट इज अबाउट कैसा स्ट्रक्चर देख रहा है बोलो कितने अमाउंट का लगता है आपको पता है ये ओनली इलेवन सेंटीमीटर का है दैट मीन्स इतने साइज का हो सकता है इतने साइज का ठीक है इलेवन सेंटीमीटर नॉट मोर देन फिफ्टीन और सिक्सटीन इलेवन सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब होता है वेरिएशन है रिटिलविट वेरिएशन रहेगा बिकॉज अदरवाइज मैच नहीं करता है किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम पे मैच नहीं करता सेप एंड साइज थोड़ा बहुत वेरिएशन है बट अप्रोक्सीमेशन में पकड़ा गया 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर इसका वर्थ है या फिर वाइड है ये एंड दे आर बीन सेट ये सारे बीन सेट है डार्क ब्राउन इन कलर मैंने बोला था ये रेड कलर और रेडिश ब्राउन इन कलर भी मैंशन कर सकते हो एंड इसका जो पूरा है पोर्शन इसको बोलते ना रेट्रो इसको क्या बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल एंड मेटानेफ्रिक टाइप ये मेटानेफ्रिक किडनी है दैट मीन्स ये जब किडनीज आ रहे थे ना मतलब फॉर्मेशन हो रहा था इवोल्यूशन हो रहा था तो वहाँ पे ना बहुत सारे किडनीज फॉर्मेशन हुए थे एंड उसके बाद वन बाय वन लेयर क्या हो गया मिक्सडअप होने लगा एंड होल्स क्रिएट नहीं हुए तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो आया दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक टाइप ये थोड़ा रेट्रो वर्ड जहाँ पर सुन लो दैट मीन्स वो बहुत पुराना है तो रेट्रोपेरिटोनियल है दैट मींस इसका एक कवरिंग रहेगा

वन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे वन मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स कितने टाइप का एक cortical nephrons है एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है अभी बोलो कॉटिकल नेफ्रॉन मींस कहाँ पे होगा उसका पॉजिशन कॉटिकल नेफ्रॉन मीन्स कॉटेक्स से स्टार्ट होगा दैट इज एटी फाइव परसेंट ये ऑक्यूपाई करता है ओनली फिफ्टीन परसेंट जक्स्टा मेडुलरी है जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना या फिर मेडुलरी एंड कॉटेक्स के साइड पोर्शन मीन्स जहाँ पे जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो उस पोर्शन में ये स्टार्ट हुआ है आई होप इतना समझ आया हो उसके बाद और क्या है नियर अबाउट इसका अगर uh, क्या बोलते हो पूरा सिकेशन के बाद ये तो हो गया फोर सेंटीमीटर ये इसका थिकनेस भी है कैप्सूल है बोल जी मैं तो बोल रही ये सब अभी देखो इसका वेट जानता है मैंने अभी बोला था कि वेरिएशन आ सकता है अगर फीमेल का देखोगे तो ये कितने अमाउंट का वन थर्टी फाइव ग्राम्स का एक एडल्ट फीमेल के बॉडी में वन थर्टी फाइव ग्राम्स का किडनी है एंड मेल में इन कंपैरिजन टू फीमेल ये थोड़ा सा बड़ा है दैट इज वन फिफ्टी ग्राम्स वन फिफ्टी ग्राम्स वेट वाला है अच्छा इसका अगर आउटर सरफेस देखोगे ये कॉन्वेक्स टाइप दिखता है ऐसा सेफ है तो कॉन्वेक्स दिखेगा आउटर पोर्शन को क्या बोलोगे कॉन्वेक्स है तो उसका ऑपोजिट को क्या बोलोगे आप बोलो आउटर आपका क्या है कॉन्वेक्स तो इनर आपका कॉनकेव ये है कॉन्केव मीन स्पून के इनर साइड को देखियो इनर साइड होता है कॉन्केव ऊपर साइड होता है कॉन्केव ठीक है ऐसे पोर्शन होते हैं अभी इसमें हमने इतना सारा पोर्शन पढ़ लिया इतना सारा कुछ जान लिया तो इसके अंदर जो क्रोमिनल्स है उसके बारे में भी जानेंगे बस uh, आधा तक रखती हूँ मैं बिकॉज इसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे स्ट्रक्चर्स के बाद और कुछ जानना है दैट इज़ अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को जानना चाहते हो ना तो इतना डिटेल्स काफ़ी है इसके बाद क्योंकि मुझे ग्रोमेलर्स के बारे में मैं तो थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ फिर भी हम ग्रोमेलर्स का थोड़ा बहुत और करेंगे कल के वीडियो में एंड उसके साथ आर्टरीज वैनस कैसे कनेक्टेड है आर्टरी कैसे बनते हैं एंड एक है आपका इफ्रेंट तो एक है एफरेंट कौन रिसीव करता है कौन छोड़ता है उसके बाद कैसे वो कनेक्ट

ट्यूब के साथ एंड लास्टली कलेक्टिंग डक्ट में कैसे कलेक्ट होते हैं कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है कितने कंसनट्रेशन में कौन जाएगा यहाँ पे ना डिफ्यूजन प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल में यहाँ पे uh, सारे मटेरियल्स डिफ्यूज होते हैं कौन सा जस्ट लाइक ना आपके ब्लड में जैसे बहुत ही वास्ट अमाउंट की चीज़ें हैं जस्ट लाइक like, uh, वहाँ पे प्रोटीन्स भी हैं माइनो एसिड्स भी हैं हैंन लिपिड्स भी हैं फैट्स भी हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंफोसाइटिक सेल्स भी हैं बहुत कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे भी है बिकॉज जब एक्सक्रीशन होता है कुछ कुछ चीज़ें स्क्रीनिंग हो जाती हैं स्क्रीनिंग और छानना जानते हो सीप से रहते हैं छान देते हैं तो वैसी छन जाती है तो जब छनती है ना इधर से ड्रोमल यहां यहां रहेगी तो ये सब छन के आएगी तो कुछ कुछ चीजें ना डिस्फ्यूज होना स्टार्ट करती है अगेन बॉडी में और बॉडी को रिलीज हो जाती है तो उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे माइंड मैप है इसलिए आपको कम लगा होगा लिखते वक्त बट इतना सुन लो ना एक इंसान लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेगा वो भी दो दो लॉन्ग क्वेश्चन एंड प्लस टू में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के लिए तो यही है एंड उसके बाद एमएससी एंड ग्रेजुएशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक फ्योशॉर्ट एनिमल फिजियोलॉजी में आता ही है उसके साथ आपका जो एंट्रेंस लेवल में आप बोल रहे हो इवन नेट एग्जाम में भी इवन एस एस बी में भी मैंने अभी रिसेंटली हम लोग ने एस एस बी दिया हुआ था तो एस एस बी का क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें प्रोबाबली टू टू थ्री क्वेश्चन इसके ऊपर थे सो so, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करें तभी जान पाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच आई होप आज का वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे पाया हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून प्लीज न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए बिकॉज हमें मोटिवेशन बहुत ही नीड है आपके मोटिवेशन हमें वीडियोस बनाने के लिए और भी ज्यादा हेल्प करते हैं थैंक यू सो मच